हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम ब्यूटी। और मैं हूं मनीषा, आपकी दोस्त। आप सबका स्वागत करती हूं हमारे अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बॉम ब्यूटी। आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और मुझे पर्सनली होम रेमेडीज़ बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर अपने फेस पे लगाने का। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ दो ही ऐसे चीज़ों को मैं यूज़ करूँ जो कि बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिल सकती है। और वही दो चीज़ों को यूज़ करके मैं आज एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ आप सबको, जो कि आपकी ब्लैक हेड्स जो है आपके स्किन पे वो नेचुरली रिमूव कर देगा। और ये बहुत ही सेफ है, फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूँगी अपने हाथ पे या फिर अपने गर्दन पे एक पैच टेस्ट ले ले, अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो ये मत कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये गुनगुना सा पानी, जो कि इस कटोरी में मैंने भर लिया है। और ये जो है कॉटन पैड, इसको मैं इसके अंदर डिप करूंगी इस तरह से और थोड़ी सी प्रेस करके अपने जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ब्लैक हेड्स का, जो कि हमें अपने नोज के अराउंड सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पर हमें ऐसे रखनी है कुछ देर तक। आप 3 से 4 मिनट रख सकते हो, वही काफ़ी होगा। तो ऐसे करके हमको रखनी है, ताकि इससे क्या होगा कि हमारे जो पोर्स है वो सब ओपन हो जाएंगे और अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें इसे रखना है मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद आपको चाहिए ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा, वो भी मैं ले लूँगी एक कटोरी में। और उसके बाद जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो होगी आपकी टूथपेस्ट और आपकी टूथब्रश। इस टूथब्रश को आप फिर से दोबारा से अपने दांतों के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक नया वाला रखें अपने ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए, क्योंकि ये आप बार बार कर सकते हो और कहीं पे भी कर सकते हो ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कार्बन कोको चारकोल टूथपेस्ट। आपको चारकोल, क्योंकि मैंने ये लिया है क्योंकि मेरे पास था एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत ही अच्छी काम करती है ब्लैक हेड्स के ऊपर, इसीलिए मैंने ये लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यही खरीदनी है, आप अपने मनपसंद का कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो। मेरे पास ये था इसीलिए मैंने इसको यूज किया है। मैंने एक चारकोल पील ऑफ मास्क का रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जो ये मेरा टूथपेस्ट है वो थोड़ी सी अमाउंट में ले लूंगी बस। तो मैंने इसमें ले लिया है, अब इसको हमें मिक्स करनी है इस तरह से। तो मैंने इन दोनों को एक साथ मिला लिया है, अब इसको हमें अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया में इस तरीके से स्क्रब करनी होगी। स्क्रब करने के बाद हमको ये छोड़ देना होगा और 2 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा सूख जाए। और उसके बाद हम लोग फिर से गुनगुना पानी लेकर इसको रिमूव कर देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये जो मेरा पैक है वो भी सूख चुका है, और इसको मैं अब धो दूंगी। इसके लिए आपको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी पानी से धो सकते हो। तो मैं इसको धो के आती हूँ, स्टे ट्यून्ड। ओके, तो मैंने अपना फेस धो लिया है, आप वाइप ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने धो लिया है।
और मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि कितना ज़्यादा ब्राइट हो गई है मेरी ये वाली स्किन। आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी नेचुरल ग्लो कर रही है, लग रहा है कि मैं हाइलाइटर यूज़ किया हूँ अपने नोज़ के अराउंड। तो देखा आप लोगों ने कैसे सिर्फ दो चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने ब्लैक हेड्स को नेचुरली रिमूव कर सकते हो। हाँ, टूथपेस्ट में थोड़ा बहुत मेंथॉल होती है, इसीलिए आप अगर लगाओगे अपने स्किन पे तो थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन या तो फिर ठंडाई पड़ सकती है आपकी स्किन। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, वो जो टूथपेस्ट में मेंथॉल होती है उसी की वजह से होती है, वैसी कोई बात नहीं है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आप अगर चाहते हो कि मैं इसी तरीके से छोटे छोटे घरेलू नुस्खे वाले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम टेकिंग हो, तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर हेल्पफुल लगे तो। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय।